तो दोस्तों इस ट्रिक के बाद आपका सब कुछ अनलॉक हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो रखा है। आपको दूसरी और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, बस आपको इसे एंड तक वॉच करना है। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम नए अपडेट में आपको बताएंगे कि आप इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में सब कुछ अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो अपनी ट्रिक की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम कोई भी सस्ता सा लोकोमोटिव हम अनलॉक करने के लिए जाते हैं। तो सबसे सस्ता लोकोमोटिव ये है WAG 7 लोकोमोटिव, ब्लू कलर का। तो हम इसे 6 तक अनलॉक कर लेते हैं। और ट्रिक दोस्तों मैंने आपको बता रखी है कि आपको किस तरीके से अपनी सारी ट्रिक को वर्क कराना है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने 6 तक अनलॉक कर लिया ना। अब चलते हैं अपने बैक स्क्रीन पे, रिसेंट से ऐप हटाते हैं, देन मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से गेम ओपन करके जो हम चेकआउट करने वाली ट्रिक को करते हैं वो अप्लाई कैसे करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि जिनके मोबाइल में ट्रिक वर्क नहीं होती उनके में कैसे वर्क करानी है। तो हम एक बार गेम से वापस जाके गेम में आ चुके हैं, देन हमारा साइन इन नहीं था तो हम साइन इन कर लेते हैं। नेक्स्ट, देन यस, पेटी खुल जाएगी। देन हमारा गूगल गेम्स की जो आईडी है ना दोस्तों वो इसमें लिंक हो चुकी है। तो हम चलते हैं गैराज में, और हमारा 6 तक अनलॉक हो रखा है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने रिसेंट से ऐप हटाया है और हम गूगल प्ले गेम्स आपको ओपन करके दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं दोस्त वो क्या बोलते हैं, भैया हम गूगल प्ले गेम्स से ही ओपन करते हैं लेकिन हमारा तो कोई चीज़ सेव नहीं होती। तो मैं बता देता हूँ, आप गूगल प्ले गेम्स नहीं प्ले स्टोर खोल के दिखा देते हैं। 2-4 सब्सक्राइबर को मैंने देखा है जो प्ले स्टोर और गूगल प्ले गेम्स को एक ही समझ लेते हैं, तो वो गलती ना करें। मैं आपको प्ले स्टोर और गूगल प्ले गेम्स एक साथ करके दिखा देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों के लोगो सेम है, बस उसमें गेम है और इसमें रंगीन कलर है, गेम का रिमोट बना हुआ है उसमें। तो चलते हैं इन्फो में, तो यहाँ पे करते हैं हम क्लियर कैच और क्लियर डेटा। ऐप पे टैप करके रखना है, तब आप सेटिंग में आ जाएंगे। ऐप इन्फो में जाके सेटिंग में आए और तब आपको क्लियर कैच एंड क्लियर डेटा करना है। आई एक्सेप्ट, देन साइन इन। तो दोस्तों साइन इन करने के 6 सेकंड रुको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पे आप गैराज खोलो और चेक कर लो, गिनती करो दोस्तों कि मतलब इसमें एक तो गेम में बहुत बड़ा ग्लिच भी चल रहा है। अभी हमने 12 तक अनलॉक कर दिया है। गेम में ग्लिच ये है दोस्तों कि आप बहुत बारी सामान अनलॉक करते हैं तो आपका अनलॉक नहीं होता है। तो चलते हैं बैक स्क्रीन पे और एक बारी चेकआउट दोबारा से कर लेते हैं गेम को। और देखिए दोस्तों नीचे एक ग्लिच है, बार बार ही आपको साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप जितनी बार हो सके उतनी बार साइन इन करके रखिए। नीचे मैंने साइन इन नहीं किया है, फर्स्ट गलती मेरी ये है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले करता हूँ और वॉइस रिकॉर्ड बाद में देता हूँ, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जरा सेटिंग्स में जाता हूँ, मैंने वहाँ दोस्तों देखिए हमने साइन इन नहीं किया है और हम डायरेक्ट क्लियर कैच एंड क्लियर डेटा करने पहुँच गए हैं। और अभी गेम को ओपन होने देते हैं तब मैं दिखाता हूँ कि ये ट्रिक हमारी वर्क हुई है कि नहीं, क्योंकि एक गलती मैं बीच में कर चुका हूँ दोस्तों। हमने यहाँ साइन इन किया, उस समय हमने साइन इन नहीं किया चेकआउट करते समय भी, देन गैराज पे आए, गैराज पे अभी सब लॉक दिख रहा होगा दोस्तों, ये ग्लिच है। रूट पे जाएंगे, रूट पे क्लिक कर देना, गैराज के बगल वाला ऑप्शन, रूट पे क्लिक करेंगे, देन दोबारा से गैराज पे, और आप देख सकते हैं 6 अनलॉक हो रखा है बस। और अभी हमने 12 तक किया था, फर्स्ट गलती दोस्तों मेरी ये थी। बहुत सारे लोग ये चीज़ इग्नोर मार देते हैं दोस्तों, आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी है।
और देन जितनी बार भी आपको दिखे नीचे ऑप्शन आए साइन इन का, आप साइन इन जरूर करिए। अभी हमने 9 तक अनलॉक कर दिया है, अब आगे भी करते हैं। इस बार हमें 16 जैम में देखने को मिला है ये स्क्रैप। देन दोबारा से गेम ओपन हो रहा है, तो गेम ओपन होने वाला है। देन देखिए नीचे एक बार ही नीचे गौर करिए, साइन इन ऑप्शन पे आप बार बार ही क्लिक करिए जितनी बार भी आपको दिखे। तो चलते हैं गैराज पे और देखिए हमारे 9 तक अनलॉक हो रखा है। चलिए बैक चलते हैं और इन्फो में जाते हैं और यहाँ पे स्टोरेज यूजेस और क्लियर डेटा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका क्लियर कैच करने पे भी हो जा रहा है तो आप शायद एक बार ही ट्राई करके देख लीजिए कि आप डायरेक्ट क्लियर डेटा करते हैं तो आपका वर्क करती है नहीं करती है, क्योंकि ये लो एंड डिवाइस के लिए है क्लियर कैच एंड क्लियर डेटा। हायर डिवाइस के लिए डायरेक्ट आप क्लियर डेटा कीजिए। और नीचे साइन इन का ऑप्शन आया और हम पे 50 जैम स्टोन वापस आ चुके हैं और 9 तक हमने अनलॉक किया है। अब देखते हैं कितना अनलॉक कर लेते हैं हम जा सकते हैं 15 तक जा सकते हैं। हाँ 15 तक पहुंच गए और 15 तक पहुंचने के बाद दोस्तों अभी हमारा एक स्क्रैप और रह रहा है, तो हमें एक बारी और चेकआउट करने आना पड़ेगा गेम को। तो रिसेंट से ऐप हटाते हैं और दोबारा से गेम को ओपन करते हैं। रिसेंट से हटाना यानी आप गेम को जब हटाते हैं ना तो पूरा ही डिस्प्ले से हटा दीजिए, जिससे आपको दोबारा से ओपन करना पड़े। और ओपन करेंगे तो वो गेम में काउंट हो जाएगी कि आपने हाँ गेम खोल के चेक किया। और एक बारी और बता दूँ या नीचे पहले साइन इन कर लेते हैं कि जब भी आप क्लियर डेटा करें तो वो क्लियर डेटा वो इसलिए करते हैं अनइंस्टॉल के बराबर है। आप जब भी गेम अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं तो आपको 50 जैम स्टोन क्यों मिलते हैं, वो अनइंस्टॉल के बराबर होता है दोस्तों। इस वजह से मैंने क्लियर डेटा वाली टिप्स निकाली है और चलता है बैक। हमारे 15 जैम से जो हमने अनलॉक कर लिया था स्क्रैप वगैरह 15 मिल गए थे तो वहाँ पे पूरे हैं। और यहाँ चलते हैं स्टोरेज यूजर्स में और क्लियर डेटा कर देते हैं। दोस्तों बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। मैं सोचूंगा रेगुलर कि आपको एक एक वीडियो देने की कोशिश करूँ या फिर हफ्ते में एक दो वीडियो तो दे ही दूँ, क्योंकि मैं लेजिट वीडियो देता हूँ। उसके अलावा मैंने कितने 4 महीने से या 3 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था और बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट भी आ रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो पर आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, 57,000 लोगों ने देखी है वो वीडियो। और यहाँ पे हमने अनलॉक कर दिया अपना गेम को ओपन करके। तो यहाँ पे कैश का जो ऑप्शन आ रहा था ना दोस्तों, कैश की भी प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करते हैं। पहले यहाँ पे कोई और इंजन देखते हैं सस्ता सा। ये 16 जैम में हो रहा है एक स्क्रैप, और कोई सस्ता सा पहले चेक कर लेते हैं, फिर आपको बैक स्क्रीन में ले जाके दिखाते हैं कि कैश कैसे भरना है। ये भी 16 जैम, कोई भी सस्ती चीज़ नहीं है क्या इसमें? 5 लोकोमोटिव, हाँ 8 जैम में हो रहा है, तो हम इसे 5 तक पहुंचा सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, तो हमने 5 तक पहुंचा दिया इसे। देन हमने फुल अनलॉक तो कर ही दिया बैक 7, आपको बस दिखाना है क्योंकि हमने दूसरा हमें इस आईडी में जितना भी आइटम है वो खोलना है। मैंने आपको एक खोल के दिखा दिया, बाकी सब आप खोल लेना। जिसमें 16 जैम है उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो ट्रिक आपको बार बार ही अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सस्ता लोकोमोटिव किया है ना अनलॉक, तो आपको बार बार ट्रिक करनी पड़ेगी। 16 + 16 = 32, हाँ 2-3 ही स्क्रैप ले पाओगे आप, 48 फिर आप पे 2 बचेगा। तो हमने गेम को दोबारा से ओपन कर लिया, देन साइन इन भी कर लिया है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे चेक करते हैं हमारा बैक 7 लोकोमोटिव। पहले यहाँ 5 स्क्रैप देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल 5 है। इसके बाद आप जाएंगे क्लियर डेटा करने और आप कर लीजिए फुल अनलॉक। और यहाँ हमारा डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, आप ये भी चीज़ नोटिस कीजिए।
डायरेक्ट डाउनलोड का नोटिस आ गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम मर्मोरिया सेक्सूट BGMI में, देखिए दोस्तों वीडियो चेंज नहीं हुआ, वीडियो वही है। BGMI का भी कंटेंट हम डालते हैं, BGMI का मर्मोरिया सेक्सूट हम निकालेंगे, वो भी 540 UC में। उसकी ट्रिक मैं बता दूंगा दोस्तों। यहाँ पे 22 दिन तक आपको स्क्रैप मिलते रहेंगे UC के वाउचर, जिससे आप मर्मोरिया सेक्सूट को भी निकाल सकते हैं। और बाकी देन हम इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में कवर करते हैं कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का जितना भी आइटम है आपको अनलॉक करके दे देंगे। और हमारी एक्सूट की ओपनिंग से रिलेटेड अब वीडियो आने वाली है, तो आप उसका भी उसको भी देखिएगा और प्यार दीजिएगा उसे भी। और फिलहाल तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर से रिलेटेड, और आपको बता दें कि हमारा चैनल किस चीज़ पर वर्क करता है। 3 चीज़, इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, PUBG एंड BGMI का कंटेंट हम देते हैं। और बाकी हमारा टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड आई लव यू ऑल माई YouTube फैमिली। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।